अभी आपको योग पट्टी वाला ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, जो कि सादा ब्लाउज भी बोला जाता है उसको, और योग पट्टी वाला भी बोला जाता है। उसमें योग पट्टी लगाते हैं। पहले मैंने पेपर को ऐसा फोल्ड कर इसको दो भाग में, ये इसको दो भाग में ऐसा फोल्ड कर लिया। उसके बाद जो अपन जितने इंच का बनाएंगे, अपन को चाहिए 32 इंच छाती का ने? तो उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 9.5। पहले लंबाई ले लेंगे, लंबाई लेंगे 14 इंच, फिर चौड़ाई लेंगे 9.5, 9.5 इंच चौड़ाई लेंगे, फिर इसको से लाइन खींच देंगे जो सीधी लाइन रहेगी। 14 इंच इसकी लंबाई लिए और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई लिए। इसको फिर दोनों साइड से बराबर नाप के सिलाई खींच लेंगे। फिर लेंगे गले की जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 2.5 इंच। अगर आप 3 इंच लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच कंधे की चौड़ाई। उसके बाद 9.5 इंच चौड़ाई के ब्लाउज में 6 इंच का बगल लेते हैं, ताकि 1/2 इंच कंधे का उतार निकल जाए, 5.5 इंच का बगल की गहराई रहे। इसको फिर ऐसा मिला लेंगे। फिर यहाँ से लेंगे 1/2 इंच कंधे का उतार, इसको इसमें जोड़ देंगे। फिर ये जो रहेगा, ये बगल, बगल के पीछे की गहराई उसकी रहेगी 3.5 इंच, 3.5 इंच बगल के गोलाई के लिए जो रहेगा पीछे की गोलाई। आगे बगल की गोलाई के लिए लेंगे 1 इंच, उसको भी 1/2 इंच बाहर निकालते हुए इससे मिलाते हुए फिर इसको गोलाई लेंगे। ये हो गया पीछे का, ये हो गया आगे का, दोनों बगल बन गए। अब ये जो लेंगे गले की गहराई, वो आप कितने अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, 4, 5, 6। वैसे आगे का गला 6 इंच रहता है, 6 इंच उसकी लंबाई रहती है। फिर इसको ऐसा कर लेंगे, चौकोन कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ से इसमें मिला दिए। फिर यहाँ 1/2 इंच गोलाई लिए, ये जो रहेगी गले की गोलाई, ऐसा मिला। फिर यहाँ पे लेंगे ये जो बन रहा है, ये पीछे का पल्ला है। फिर यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच, और फिर ऊपर लेंगे 5 इंच, 5 इंच। ये जो हो जाएगा ये है टक्स, इसको टक्स बोलते हैं। फिर यहाँ से लेंगे 1 इंच कमर की गहराई, जो सिर्फ पीछे के पल्ले में ली जाती है, 1 इंच कमर की गहराई, इसको फिर ऐसा छोड़ देंगे। इसमें यहाँ मैं लिख देती हूँ 2.5 इंच, यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 इंच कंधा और 6 इंच बगल। फिर यहाँ से यहाँ गले की गहराई 6 इंच। यहाँ से इसको लेंगे, जो पीछे का बगल होता है उसकी कटिंग होती है 3.5 इंच पर, कंधे का उतार 1/2 इंच, और आपने जो लिए
32 इंच छाती का, उसका पूरा नाप रहेगा 9.5। 9.5 इसलिए कि 8 इंच इसका चौथा भाग होता है प्लस इसमें 1.5 इंच, तो वो हो जाएगा 9.5। ये हो गया पीछे का पल्ला, इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले पीछे का पल्ला काट लिए, उसके बाद आगे का पल्ला काटेंगे। आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से 1 इंच बड़ा रहेगा ताकि सिलने में आसानी रहे और कपड़ा छोटा ना हो, इसलिए यह हो गया पीछे का पल्ला। अब इसी को रख के अब अपन आगे का भाग बनाएंगे या पल्ला बनाएंगे। ये लिए थे अपन ने 14 इंच, ये लिए थे 14 इंच। अब जो आगे का भाग बनाएंगे उसको लेंगे 15 इंच। ये हो जाएगा 9.5। फिर यहाँ से इसकी जो लंबाई रहेगी वो हो जाएगी 15 इंच। फिर इसको ऐसा जोड़ देंगे। वैसे पीछे वाले भल्ले भाग को रख के पीछे वाले भाग के ऐसा, फिर कंधे का उतार, ये आगे का गला ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा पीछे का गला, जो कि अपन को इसमें आगे के पल्ले में आगे का बगल काटना है। ये यहाँ से ले लेंगे जो टक्स रहते हैं आगे के पल्ले के, उसको लेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच। और फिर उसकी जो लंबाई रहती है, लंबाई या चौड़ाई दोनों बोल सकते हैं, 2.5 इंच। फिर यहाँ से लेंगे योग पट्टी, योग पट्टी का जो रहेगा वो रहेगा 4 इंच योग पट्टी की लंबाई। और यहाँ से लेंगे पीछे साइड बगल साइड से 2.5 इंच योग पट्टी की लंबाई या चौड़ाई जो भी है। ये फिर यहाँ से लेंगे इसको 3.5 इंच, 3.5 इंच जो एक टक्स बनता है और 2 इंच का वो लंबा रहता है। फिर यहाँ से लेंगे 2 इंच, ये हो जाएगा टक्स। और यहाँ से यहाँ कम से कम 1.5 से 2 इंच उसकी दूरी रहती है जो टक्स बनाते हैं ऐसा। फिर आगे का बगल इससे थोड़ा सा ऐसा लेते हुए, यह आगे का बगल। फिर यहाँ पे लेंगे 1 इंच, ये इसको नीचे 2 इंच नीचे उतारें, ये हो जाएगा आपका योग पट्टी। इसको कहते हैं योग पट्टी। और ये जो है ये पूरा गला हो गया 2.5, जो मैं आपको पीछे के भाग में बता चुकी हूँ। अब इसको मैं कटिंग कर दूँ तो पहले ये काट देंगे ऐसा किए, आगे का बगल लिए, इसकी कटिंग किए, कंधे का उतार नहीं काटी, काट के दिखा रही हूँ आपको ये कंधे का उतार, क्योंकि कंधे का उतार देना बहुत ज़रूरी है, उससे फिटिंग जमती है। ये हो गया और ये ठीक है।
योग पट्टी में थोड़े से नीचे से काटा जाता ताकि जब अपन जोड़े तो सही नाप बने। योग पट्टी निकाल लेंगे यहाँ से और ये पूरे टक्स पे निशान लगा देंगे। ये पूरा टक्स पे निशान लगा देंगे ताकि सारे टक्स जो हैं वो अच्छे से बैठे। ये हो गया आपका पीछे का भाग और ये हो गया आपका आगे का भाग। आगे का भाग और ये जो रहेगा जोड़ने के बाद में ये योग पट्टी आपकी। ये आपका हो गया योग पट्टी वाला ब्लाउज की कटिंग जो है 32 इंच की।